उसमें दीदी हमसे ना कोई बात करती है ना कुछ करती, खाना खाती है फिर सीधा सो जाती है। बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो वही कल वाले कपड़े हैं, तो मैं निकल। बाय दीपिका, बाय, मिलते जल्दी, ठीक है, बाय। पहुंच चुकी हूँ घर पे, आके देखा तो घर साफ सुथरा था, तो मुझे आज कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और बाय द वे मैं दीदी घर से घर आ गई हूँ, तो अब देखती हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है, मुझे कहीं जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ मुझे कहाँ जाना। इन्यों यार, इन्ना प्यार। काट के और नमक लगा के तो अब मैंने बना लेती हूँ, क्योंकि देखो वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो अब मैंने बना लेती हूँ मैक्रोनी चाय और करेले। करेले भी बन। मैं घर पे आ चुकी थी, तो घर पे आके मैंने देखा पूरा घर बहुत साफ था, तो आके मैंने बनाई मैक्रोनी और करेले। और अभी रह गए रात के 11:30, क्योंकि मैं दीदी के घर चली गई थी, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं बताऊंगी आपको बाद में हम कहाँ जा। इतनी बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने अपने बालों को बांध बांध के हेयर एक्सटेंशन करा करा के, तो मैंने कल से धोए नहीं है, तो मुझे लगता है आज ऑयलिंग लगा लो फिर कल धो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं आज नहीं, आज ऑयलिंग लगाऊंगी, कल धोऊंगी, तो मेरी जवान लड़कने लगी है, तो गैस हो सकता है। तो स्किन का ध्यान मैं पूरा पूरा रख रही हूँ, तो आप देख सकते हो तो दाने हो रहे हैं मेकअप के। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मुझे उससे बहुत अच्छे मतलब अच्छी वाइब्स आती है उसे देख, इससे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये पेंटिंग जो लाई थी मेरी मम्मा लाए थे, तो उसके बाद ये भी मम्मा लाए थे, ये भी मम्मा लाए थे, और वहाँ पे सामान रखा वो भी मम्मा। तो पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करके जाते हैं, आप पेरेंट्स के लिए क्या करते हो? तो गाइस ये भी टाइम होता है, जो कि देखो मेरे पेरेंट्स का अब ये सब कुछ देखने का टाइम आया था, बट वो है नहीं, तो आई एम बहुत, मुझे बहुत फील होती है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं, क्योंकि मैं कहीं भी अवार्ड लेने जाती हूँ या किसी भी इवेंट्स में जाती हूँ, तो मुझे सारे लोग मुझे मिलते हैं तो और प्यार करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा फील होता है मेरे पेरेंट्स इस टाइम पे क्यों नहीं है। का खेल है, किसी के पहले जाते हैं किसी के बाद में जाते हैं, बट कुछ लोग बाद में कदर करते हैं कुछ लोग पहले, तो गाइस हम पहले भी कदर करते थे और बाद में भी कदर ही कर रहे हैं, तो बट ये है हम, मुझे इस चीज़ का फील है, मतलब दोनों में से एक जना होना चाहिए था, बट दोनों ही एक साथ 7th मंथ मतलब 6th मंथ में दोनों एक्सपायर हो गए, तो मुझे इसके लिए बहुत फील है बहुत। तो मुझे लगता है लोग फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं, तो मुझे, मैंने बहुत माइंड लगाया, मैं बहुत टेंशन में थी चीज़ों को लेके, तो मैंने बहुत दिमाग चलाया, बहुत सारा काम किया, और घर पे आके मैंने बहुत देर तक सोचा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फ्यूचर में मैंने ये सोचा है मैं घर पे रह के ही थोड़े दिन काम करती हूँ, अगर मेरे को लगता है बाहर जाके सेटल होना चाहिए, बट मुझे लगता है मुझे बाहर जाके सेटल होना चाहिए, तो मैंने प्लान किया है मैं दिसंबर के बाद जहाँ पे सेटल होंगी मैं दिसंबर के बाद ही होंगी, दिसंबर से पहले मैं कहीं सेट भी है, तो रुस्तमी है, अकेले उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है, तो अभी तक वो पल ही रही है, अब जब कहीं उसे छोड़ की चीज़ें मैंने सीख ली हैं, लोग आजकल आपको यूज़ करते हैं बस चीज़ों से, तो मैंने यूज़ होना छोड़ दिया है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं ना मेरे को यूज़ कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती अब इतना डिप्रेशन लेना और चीज़ों को लेना। और मगर सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है वो दीदी साउथ दिल्ली, वो दीदी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बाकी मुझे नहीं लगता मेरा कोई अभी अभी मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो साउथ दिल्ली वाली दीदी को सल्यूट है, क्योंकि वो सबकी फीलिंग समझती हैं, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं, मगर चीज़ें उनकी भी बहुत ख़राब हुई हैं, बट वो संभल गई हैं और मेरे अब ख़राब होना स्टार्ट हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती लाइफ में ऐसा कुछ हो, बट मैं उनसे लड़ूंगी और मूव ऑन करूंगी और अपनी सक्सेस पे जाके दिखाऊंगी। मैं उसकी पैकिंग मैं स्टार्ट करूंगी कल से, क्योंकि मुझे जाना है 28 को, तो उसकी पैकिंग मैं कल से स्टार्ट करूंगी, बाकी मैंने सारे जो कपड़े थे वो धो लिए हैं, अब बस पैकिंग करनी बाकी है, तो देखते कल क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना। और मेरी बॉडी का वेट जो है 66.5 है, तो मुझे लगता है मेरा वेट अब ठीक है, बट मुझे जिम जाना चाहिए, तो मैं घूम के आने के बाद जिम जो जाना कंटिन्यू करूँगी। मम्मी, ये है मेरे दादा दादी, ये मम्मा और ये पापा, तो गाइस अगर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं इनके फोटो साथ रखती हूँ, मैं उनको। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, जैसे हमें सारे ब्लॉग को पहले थे, इसको भी वैसे ही लीजिएगा।